So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10 physics lens chapter. 1, 2, 3, 4 video देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि convex lens and concave lens कैसे image बनाते हैं और एक formula use किए थे 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. इतना पढ़ चुके थे तो आज हम बताएंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या होता है कितना बड़ा कोई लेंस किसी ऑब्जेक्ट का साइज को कितना बड़ा कर देगा ना छोटा को बड़ा कर देता है बड़ा को छोटा कर देता है कि नहीं तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड है ध्यान सुनिए वी बाय यू वी बाय टू वी क्या है इमेज डिस्टेंस By U क्या है इमेज डिस्टेंस by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस M इज इक्वल टू वी बाई यू वी क्या है इमेज डिस्टेंस U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है हाइट ऑफ इमेज by हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज by हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक सिंपल सा बोल रहे ये जो लेंस है वो कितना बड़ा लेंस ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा कर देगा तो मान लीजिए कि इमेज इसका इधर की ओर बना ठीक है याद आ रहा है ए डेस बी डेस ये ए भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है बड़ा इमेज ए भी बना है कि नहीं ये दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग यू बोलते हैं और ये दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं यू भी सब पता है यू भी पता है तो भी बाई यू भी दूरी है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डेस बी डेस By height of object क्या ए किसी से भी निकालिए वही आंसर आएगा मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और प्लस माइनस किसके हिसाब से होगा फिगर के हिसाब से होगा इसमें हमने लिखे है प्लस माइनस अंडरस्टूड सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज क्या है रेशियो कितना बड़ा बनाएगा ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट बस कोई यूनिट नहीं होता इसका वी बाय यू निकाल दीजिए तो मैग्निफिकेशन या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी एग्जांपल दिखाएंगे आपको पूरा क्लियर होगा पहले नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन देखिए कोई लेंस बना हुआ है उसका ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना और मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा लेंस है कन्वेक्स लेंस फिगर के हिसाब से बनाना है इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वी बाय यू और इसमें वी तो प्लस होगा लेकिन यू माइनस होगा इधर की ओर माइनस उधर की ओर प्लस तो वी का वैल्यू क्या है 18 माइनस को ऊपर लिख दे रहे हैं क्लियर प्लस प्लस माइनस होता है माइनस बता रहा है कि नहीं इमेज ऑब्जेक्ट उल्टा साइड में बना है और यू का वैल्यू क्या दिया हुआ 10 यानी क्या हुआ माइनस 1.8 यानी मैग्निफिकेशन जो है 1.8 मतलब क्या आया इमेज का साइज 1.8 गुना बड़ा है मतलब इमेज का साइज बड़ा बना है 1.8 अगर ये 1 है तो 1.8 बना है ना 1.8 का रेशियो में है इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है मैग्निफिकेशन कितना है 1.8 क्या बता रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट उल्टा डायरेक्शन में है अंडरस्टूड इसको भी नोट कर लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है दूरी नहीं दिया हुआ है ए बी मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर और एडेस बीडेस का मतलब ये दूरी दिया हुआ है ऊंचाई ना ऊंचाई हाइट हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्लियर है अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन इससे भी निकालेंगे वही आंसर आएगा क्या हुआ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखिए ऊपर वाला वाई एक्सिस प्लस होता है तो ये वाला क्या होगा माइनस है ना उधर प्लस इधर माइनस ऊपर रहेगा वाई एक्सिस प्लस होता है तो वाई एक्सिस नीचे हाइट देखेंगे तो ऊपर नीचे देखिएगा ऊपर वाला प्लस
नीचे वाला माइनस। तो बोलिए क्या है हाइट ऑफ इमेज कौन है ए डेस बी डेस बाई क्या होगा ए बी और माइनस लिखते हैं प्लस माइनस क्या होता है ऊपर प्लस नीचे प्लस माइनस आंसर होगा माइनस ए डेस बी डेस कितना है बोलिए 10 और ए बी कितना है 6 1.66 माइनस माइनस क्या बता रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे इमेज पता है इस तरह से निकालते हैं इसका यूनिट भी नहीं होता है नो यूनिट क्यों ऊपर नीचे सेंटीमीटर तो कट जाएगा इसका यूनिट नहीं होता है क्लियर है नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन दोनों को मिला के दिखा रहे हैं चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं लोग एन ऑब्जेक्ट इज केप इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एक कन्वेक्स लेंस दिया ध्यान सुनिए कुछ फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट है ए बी एक ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका हाइट क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ए अन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर क्लियर है अब इसका इमेज किधर बनेगा कैसा बनेगा और क्या दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे क्या क्या निकालना है इमेज डिस्टेंस मतलब भी निकालना है इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है देखो मैंने क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है An object of 10 centimeter height is kept in front of convex lens at a distance of 20 centimeter. An object of 10 centimeter height is kept in front of convex lens at a distance of 20 centimeter from lens, whose focal length is 30 centimeter. क्लियर है इमेज डिस्टेंस निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है साइज ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो देखिए फिगर में आते हैं फिर से यहां आकर देखिए फोकल लेंथ 30 है ए बी इज द ऑब्जेक्ट जिसका साइज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसका दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्लियर है फोकल लेंथ मतलब एक तो एक फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बताइए अभी हमारा कौन सा पोजीशन आ गया बिटवीन एफ एंड ओ इमेज इधर बनेगा इसका इमेज इधर बनेगा नहीं बनेगा क्यों बनेगा इधर अभी फोकल लेंथ 30 है और इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा केस हो गया केस 6 हो गया मतलब इमेज इधर बनेगा और बड़ा बनेगा एफ और ओ के बीच में आया कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से फोकल लेंथ 30 है इधर भी 30 उधर भी 30 लेकिन इमेज किधर बनेगा इधर क्यों क्योंकि इधर की ओर नहीं कटेगा आगे की ओर बनता है ये पता चल गया अब हम लोग क्या क्या दिया हुआ है हमको यू दिया हुआ है हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्लियर है और फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या 30 सेंटीमीटर क्लियर है यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बस और कुछ नहीं दिया हुआ है कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ बताइए वी भी माइनस में नहीं होगा इमेज इधर ही बनेगा मान लो इमेज इधर ही बनेगा तो वी भी माइनस में होगा माइनस में आंसर आएगा देखिए अभी का यू क्या चीज में है माइनस में है कि नहीं है यू माइनस में है कि नहीं इधर की ओर है और फोकल लेंथ भी इधर ही है फोकल लेंथ भी इधर ही है कि नहीं जिधर इमेज बनता उधर ही फोकल लेंथ लेंगे तो फोकल लेंथ इधर ही है क्यों इधर है क्योंकि इमेज इसका इधर बन रहा है पीछे की ओर बन रहा है क्लियर है अब इसको सॉल्व करेंगे लोग 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f उधर गया 1 by v equal to minus 1 by f minus 1 by u इधर सब उधर चला गया वैल्यू पुट करिए 1 बाई एफ क्या दिया 30 और u कितना दिया हुआ है 20 1 बाई वी 60 एलसीएम 3 क्लियर है सर एक को पॉजिटिव ही रखिए अपने आप आ जाएगा एक को पॉजिटिव ही रखना चाहिए एक अपने आप
एक पॉजिटिव ही रहेगा, 32 जे 3 जे रहना चाहिए अपने मन से आएगा। एफ को हमेशा पॉजिटिव ही रखिए, 1/f, बी और यू को चेंज करिएगा, तो कितना यू उधर दिया माइनस प्लस होकर उधर दिया माइनस यू हो गया, 1/b 1/30 + 1/20 60 एलसीएम 2 जे 3 जे, तो 1/b = -1/ क्या गया 60। उल्टा कर दीजिए, बी का वैल्यू क्या आया 60 सेंटीमीटर और क्या आया माइनस आया, अपने बड़ा बना के बना, एफ हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए ना, यू और बी को चेंज करना है, सभी को चेंज कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, अंडरस्टूड। तो भी निकल गया, तो पहला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, बोले क्या है बी माइनस क्या है 60 सेंटीमीटर, माइनस क्या बता रहा है इधर ही बना है 60 सेंटीमीटर दूर, बहुत दूर बना है 60 सेंटीमीटर दूर बना है, ये जो इमेज डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। एफ हमेशा प्लस रखिएगा, यू और बी को देख लीजिएगा, बी अपने आप नेगेटिव आया, यू को ही देखा जाता है एक्चुअली में, क्यों क्योंकि यू हमें पता है बी तो नहीं पता है, बड़ा बना कि नहीं बना, दूर बना कि नहीं बना। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या निकाला, मैग्निफिकेशन, आप बोलिए कैसे बनेगा, बी बाय यू से बना लीजिए और दोनों ही तो माइनस, दोनों ही तो प्लस है, क्यों प्लस है, ऊपर बना है दोनों ही ऊपर बना है कि नहीं बना है, चाहे दो बी बाय यू से बनाइए तो दोनों ही को या तो माइनस रखिए, माइनस बी माइनस कट जाए, बोलिए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 60 और यू का 2, एम क्या आया 3, मतलब 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना है ऐसे, ये 20 सेंटीमीटर में रखे 30 और 60 बना है, तो एम का वैल्यू क्या है, मैंने 3 गुना दूर कर दिया, 3 गुना बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये होता है, तो एम कैसे निकाले वी बाय यू, और दोनों ही माइनस है कि नहीं, वी भी इधर यू भी इधर, दोनों माइनस कर दिया 20/6 = 23 आ गया, तो आंसर ए मैग्निफिकेशन क्या आ गया 3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से निकलता है, देखिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या गया ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से करेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हम लोग को, मैग्निफिकेशन 3 है, हाइट ऑफ इमेज कितना निकाले हम लोग, हाइट ऑफ इमेज सॉरी हाइट ऑफ इमेज निकालना है हम लोग को, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 10 दिया हुआ कि नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन तो पता है, मैग्निफिकेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो बोलिए हाइट ऑफ इमेज कितना निकला 10 3 जन क्रॉस कर दिए 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज अगर 10 सेंटीमीटर बड़ा है ना ये 30 सेंटीमीटर, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर दूर में है तो ये दूरी कितना आया 60 सेंटीमीटर आया, दोनों को मिला के बना दिए, एक और बना के दिखा रहे हैं, क्लियर है, समझ में आया सबको, चलिए क्वेश्चन और पढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 25, पहले फिगर वाला नंबर कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है, बोले क्वेश्चन में दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब इसको देख के बताइए, तो एफ और ए थोड़ा दूर हो गया, एफ कितना है 20 सेंटीमीटर ना, एफ से दूर हो गया ये 25 है, ए भी ऑब्जेक्ट तो दूर में है, कितना है इसका हाइट 8 सेंटीमीटर, अब देखिए इमेज कैसे उधरे बनेगा नहीं बनेगा, एफ और ओ के बीच में है कि नहीं है, तो इमेज इधर बनेगा, इधर इमेज बनेगा, ये देखिए अगर आप भूल गए हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर, अब बस हम लोग बनाएंगे, तो बोलिए यू कितना है -8 क्योंकि इधर है, हमको भी निकालना है, एफ दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, पिछला वीडियो से बताते आ रहे हैं कौन सा यूज करेंगे तो बनेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा, यू क्या होगा माइनस, क्यों होगा माइनस, इधर की ओर यू है तो भी उधर बन रहा है, वी 1 + u = 1/f 1/v = 1/u = 1/f, क्लियर है, 1/v कितना हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f 1/f - 1/u, f का वैल्यू पुट करिए, f का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 25 और u का वैल्यू क्या दिया हुआ 30, पढ़ के देख लीजिए,
क्लियर है, 1/V एलसीएम लीजिए, 25 और 30 का एलसीएम 150 होगा, क्लियर है, 25 और 30 तो क्या हो गया 1/150, तो भी का वैल्यू क्या आया 150 सेंटीमीटर, क्लियर है, भी निकल गया 150, प्लस में आंसर आया, उधरे बना है, सोचिए कितना दूर में है ये, अगर कितना है 30 में है तो ये 150 सेंटीमीटर दूरी में बना है, क्लियर समझ आगे अच्छा से। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज कितना निकाल, सॉरी वी बाई यू से बनेगा, बोलिए वी कितना है, कितना निकाले 150 और यू कितना होगा माइनस में होगा क्योंकि यू इधर है, माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस कितना है 30, तो एम का वैल्यू क्या निकला -5, क्लियर है, एम का वैल्यू आया -5, अंडरस्टूड, नोट कीजिए। और सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एम इज इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एम का वैल्यू क्या निकालें -5, हाइट ऑफ इमेज कितना है निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिए थे क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकला -40 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा ये 8 था, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो से पूरा क्लियर हो गया, बस एक वीडियो बचा हुआ है जिसे बताएंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए।